हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक टॉक्स भाई देव के एक और फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसमें हम ब्राउजिंग को और अपनी जो इंटरनेट पर हम ब्राउजिंग करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, तो आपको मैं एक आपको तीन तो नॉर्मल ट्रिक्स और एक प्रो टिप लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इन सबको यूज़ लेके आप अगर अपनी ब्राउजिंग को फास्ट कर सकते हैं और स्मूथ भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों मैं आप सभी को अपने ब्राउज़र पे लेके आ चुका हूँ और हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स और टिप्स के ऊपर जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है, हमारे बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगी ब्राउजिंग में। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, मतलब वो टिप है आप सभी के लिए, प्रो टिप एकदम, अगर हम उसका यूज़ लेते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को ईजिली सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास कोई मतलब हाई टर्म होती है जिससे हमें सर्च करके उसकी पूरी डेफिनेशन निकालनी होती है, तो अगर हम उसे कुछ ऐसे सर्च करते हैं, व्हाट इज़ मोबाइल नंबर दोस्तों, अगर हमें उसे ऐसे लिख के सर्च करते हैं व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, तो हमारे सामने कुछ ऐसे बहुत से पैराग्राफ्स आ जाते हैं और हमें अलग अलग जो वेबसाइट होती है उन्हें ओपन करके ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे लिए गूगल ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकाल रखा है, हम लोगों को बस पता नहीं होता, हमें नॉर्मली सर्च करना होता है यहाँ पर आके डिफाइन मोबाइल नंबर, DEFINE डिफाइन मोबाइल नंबर। अगर हम ये चीज़ प्रॉपर कुछ ऐसे लिख के सर्च करते हैं, डिफाइन के बाद में जो भी चीज़ हमें चाहिए वो सर्च करते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसा सर्च रिजल्ट ओपन हो जाता है जो कि हमें प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो एक शॉर्टली स्क्रीन पर हमें देखने को मिलती है। इसका यूज़ हम वॉइस कमांड के साथ में भी यूज़ ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से वॉइस कमांड के थ्रू दोस्तों अगर सर्च करें ऐसी चीज़ों को, हमें वॉइस कमांड का सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से अगर वॉइस कमांड के थ्रू सर्च करें तो हमें मतलब ये फीचर बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये वॉइस कमांड का जो ऑप्शन मिल रहा है, अगर यहाँ सर्च करें तो उसके बाद में जो उसका जो रिप्लाई होगा वो हमें स्क्रीन पर तो देखने को मिलेगा, उसके साथ में जितना भी आंसर होगा वो भी हमें वो वॉइस के थ्रू भी मतलब जो एक गूगल का असिस्टेंट है वो उसे एक्सप्लेन भी कर देगा अच्छे से, यानी कि जो प्रॉपर डेफिनेशन उसे बता देगा। हमें ज़्यादा वेब्स के अंदर ब्राउजिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादातर वो हमें विकीपीडिया से प्रॉपर डेफिनेशन बता देता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक साबित होगी हमें किसी भी हाई टर्म को समझने के लिए। ओके, तो दूसरी जो ट्रिक है वो भी कुछ ऐसी ही है, मैं अपनी वीडियो में बहुत तो आपने को कीवर्ड्स यूज़ लेने के बारे में कहता हूँ, कोटेशन यूज़ लेने को कहता हूँ। तो कोटेशन और कीवर्ड्स को कैसे यूज़ लेते हैं दोस्तों, आज मैं आप सबको बता देता हूँ। अगर हम नॉर्मली किसी चीज़ को यूज़ लेते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने बहुत से मतलब ब्राउजिंग के अंदर भी बहुत से एड्स देखने को मिलते हैं, पर अगर हम कीवर्ड्स को कुछ इस तरह यूज़ लेके आगे भी जो कोटेशन है और पीछे भी कोटेशन मार्क लगा दें और बीच में जो हमें सर्च करना है वो लिख दें, जैसे YouTube प्रोज एंड कॉन्स, अगर हम कुछ इसे ऐसे सर्च करें तो हमारे सामने जो सर्च रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों, उसमें वो एड्स वाले नहीं होंगे और जो मतलब एकदम प्रॉपर जो सर्च रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। जो पहली है जो वो ब्राउजिंग की आ चुकी है और दूसरी हमें वीडियोज़ की लिंक्स भी देखने को मिल चुकी है, तो इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, हमें अच्छे सर्च रिजल्ट देखने को मिले हैं, पहली बार में हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, तो इसके लिए हम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती पड़ती और अच्छे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी ट्रिक है वो कुछ और ही डिफर, मतलब ये ट्रिक हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है, क्योंकि हम सभी एक ही सोशल मीडिया नेटवर्क की अलग अलग आईडीज़ को यूज़ लेते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड को, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च करता हूँ तो दोस्तों मुझे ये ऑलरेडी लॉग इन हो रखा मिलेगा, आई होप जैसा मैं चलाता हूँ मुझे ऐसा ही कुछ याद है। तो मैं यहाँ पे YouTube सर्च करता हूँ तो मुझे ये ऑलरेडी लॉगिन हो रखा मिलेगा, मतलब सीधा यहाँ पे लिखा हो जाएगा एक ऐप है वो आपके यहाँ फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। अगर मैं डेस्कटॉप साइड करके भी अगर ओपन करने की कोशिश करूँगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके दोस्तों, अगर मैं ब्राउज़र में ही अगर मुझे YouTube दूसरी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है और डेस्कटॉप साइड की तरह चलाना है अपने स्मार्टफोन के अंदर, या फिर मेरे जो ये वाला क्रोम है इसके अंदर किसी जीमेल आईडी लॉगिन है, अगर मुझे कोई और जीमेल पे कोई मेल आया है वो लॉगिन करना है, या फिर मेरी फेसबुक आईडी इस ब्राउज़र में ओपन है, मेरे को कोई दूसरी फेसबुक आईडी चलानी है और इसके पासवर्ड मुझे पता नहीं है, मैं लॉग आउट करना नहीं चाहता, ऐसी कोई भी छोटी मोटी बीमारी अगर हो जाए हमें, तो हम इनकॉग्निटो मोड का यूज़ ले सकते हैं। इनकॉग्निटो टैब का यूज़ हम में से बहुत लोग करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग के टाइम इसका यूज़ लेना बहुत सही है, क्योंकि इसमें हमारी हिस्ट्री और फीडबैक बिल्कुल भी सेव नहीं होता और हम अच्छे से इनका यूज़ लेके मतलब जो भी इन्जॉय करना चाहे कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर YouTube लिख के सर्च करूँ दोस्तों, तो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे YouTube ओपन करूँ तो कुछ ऐसा ओपन होगा जैसे कि न्यूली फ्रेश मोबाइल में YouTube ऐप ओपन होता है, और मैं यहाँ पे अगर इसको डेस्कटॉप साइड ओपन करूँगा तो प्रॉपर वैसे ही डेस्कटॉप साइड खुल जाएगी जैसे कि किसी डेस्कटॉप में ओपन होती है, नई नई डेस्कटॉप में जैसे कि उसे ओपन होती है। यहाँ पे साइन इन का मेरे पास ऑप्शन भी आ जाएगा, अगर मैं चाहूँ तो साइन इन भी कर सकता हूँ। और दोस्तों हमारी जो अगली ट्रिप है वो एक टिप या कोई
ट्रिक नहीं है वो, और ये मतलब अलग टाइप की चीज़ है। ये भी हम में से कुछ लोगों को पता होती है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होती है, उनके लिए बहुत मतलब एक अलग सी चीज़ साबित हो जाती है, क्योंकि जिनको पता होती है वो यूज़ नहीं लेते, और जिनको नहीं पता होती है उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है इमेज सर्च। गूगल का एक इमेज सर्च का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू अगर हम किसी भी इमेज हमारे पास कोई बड़ी उसके बारे में हमें हिस्ट्री चाहिए, कोई मतलब पास चाहिए उसका, अगर कुछ भी उसके बारे में जानना है तो हम उस इमेज के बारे में जान सकते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसे व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ आती है इमेज के थ्रू, अगर हम इमेजेस को वहाँ अपलोड करके चेक करना चाहें, मैं अपने अपनी वीडियोस में पहले भी इसके बारे में बता रखा है, तो अगर हम इमेज को वहाँ पर सर्च करके देखना चाहें तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर गूगल लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमें ये वाला गूगल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में कुछ गूगल का मेन जो साइट होता है वो ऐसा कुछ खुलेगा, तो उसे हमें यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है, क्योंकि ये डेस्कटॉप साइट को सपोर्ट करता है, तो हम इसे डेस्कटॉप में नॉर्मली कर सकते हैं। अगर हम स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे इमेजेस जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो 1 सेकंड लोड होने के बाद हमारे पास पे जो कैमरा का जो आइकन आएगा, और इसे जो जूम करके कैमरा वाला आइकन ओपन कर लेना है, और उसके बाद में कीबोर्ड को बैक करके यहाँ पे हमारे प्लस अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, जिसमें हम इमेज की जो यूआरएल है जो लिंक है उसे भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपलोड इमेज अगर हमारे फ़ोन में पड़े तो उसे भी कर सकते हैं। तो चूज़ ए फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन में स्टोरेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास डाउनलोड्स का ऑप्शन आ चुका है। ओके, तो ये डाउनलोड्स में मेरे पास एक अक्षय सर की फोटो पड़ी, अक्षय सर की फोटो को मैंने अपलोड कर दिया, देखते हैं अभी ये किससे क्या सर्च रिजल्ट निकालता है, सिमिलर सर्च रिजल्ट। ओके, सिमिलर सर्च रिजल्ट, इन्होंने इनका अक्षय कुमार का नाम बता दिया है वगैरह, इनका जो विकीपीडिया वो भी नीचे आ चुका है, और बाकी इनकी सिमिलर फोटोज़ भी आ चुकी है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं ट्रिक्स कितनी यूजफुल साबित होती है, हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा बचा सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो रियलिटी में अच्छा लगा होगा, आप ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है आप लोगों के लिए रियलिटी में हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आप इन्हें अगर यूज़ लोगे तो सच में ये हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो रियलिटी में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हो, और ये किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हो ना, ये वीडियो शेयर भी करते हैं, और आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, आप लोग मेंशन करें आपको किस टाइप की और ट्रिक्स एंड टिप्स की वीडियो चाहिए, आपको हमारे चैनल पर अगर कोई कमी लगे तो सुधार के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सब कुछ मेंशन कर दो दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी टेक्निकल ट्रिक्स और टिप्स की वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।